हेलो स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स एक्स माइनस ट्वेल्व इफ वाई इज इक्ल टू जीरो ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व. सो लेट्स सी गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है एक इक्वेशन दे रखा है वाई इजिकल टू एक्स प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व एंड इज इक्वल टू जीरोन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो एक्चुअली हमें ग्राफ प्लॉट करना तो इसको इस तरीके से लिख दिया पहले मैंने वाई इजिकल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व है ना और इसे हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया तो अब हमने क्या करना है इसे एक्चुअली ग्राफ प्लॉट करने तो इसके वर्टाइसिस हमें चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा पैराबोला होगा तो पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे से एबीसी चाहिए तो उसके लिए मुझे कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो देखिए ए के प्लेस पे कितना आ जाएगा वन बी के प्लेस पे वन एंड सी के प्लेस पे कितना आ जाएगा माइनस ट्वेल्व तो एक्चुअली जो वर्टाइसिस ऑफ पैराबोला है तो वो होता है माइनस बी बाई टू ए है ना यहाँ पर इस बात को लिख लेते हैं वर्ट, वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ पैराबोला तो क्या होता है माइनस बी बाई टू एंड माइनस डी बाई फोर ए तो हमें डी की जरूरत पड़ेगी तो डी क्या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्सोर ए सी तो इज टू बी स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर माइनस फोर इन टू वन और इंटू में माइनस ट्वेल्व वैल्यू ऑफ सी देखिए ये हो जाएगा वन और ये फोर्टी एट तो वन प्लस फोर्टी एट कितना हो गया फोर्टी नाइन तो वर्टाइसेस ऑफ पैराबोला जो है सॉरी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पैराबोला क्या हो जाएगा देखिए यहां पे हमने बी की वैल्यू रखी वन और ए की वैल्यू वन यहाँ आ गया माइनस वन बाई टू डी की वैल्यू रखी फोर्टी नाइन तो माइनस फोर्टी नाइन डिवाइड बाय फोर इंटू वन दैट इज फोर तो दिस इज वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है ना तो अब एक्चुअली हमें क्या करना होगा कुछ पॉइंट्स भी कलेक्ट करने होंगे जिससे कि हम ग्राफ फॉर्म कर पाए तो ये देखें फ्रॉम इक्वेशन वन वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है एक्स स्क्वे प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व तो इसका जो फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा एक्स प्लस फोर एक्स माइनस थ्री ये इसको फैक्टराइज कर दिया अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है एक्स और वाई के कुछ ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं ग्राफ uh, फाइंड कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली जिसमें हमने क्या करना है एक्स की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते जाना है मीन्स एक्स वाई के ऑर्डर पेयर्स हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे जिसे ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद में हमें रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा मतलब कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हमें ग्राफ मिलेगा तो ये एक्स की रो हो गई ये वाई की रो हो गई तो एक पेयर ऑफ एक्स वाई इसे दूसरा पेयर ऑफ एक्स वाई थर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई फोर्थ पेयर ऑफ एक्स वाई फिफ्थ पेयर ऑफ एक्स वाई सिक्स पेयर ऑफ एक्स वाई तो इस तरीके से अब हमने क्या करना है इसे इक्वेशन टू दे दिया तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस सॉरी थ्री रख दिया है ना एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन टू देखिए y इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे थ्री रखा प्लस में फोर और यहां पर थ्री माइनस थ्री तो इज इक्वल टू फाइनल एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस फोर है ना ओके तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू इन इक्वेशन सेकेंड वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड में तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए प्लस फोर और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस फोर माइनस थ्री तो इज इक्वल टू देखिए इस, इस ब्रैकेट से जीरो हो गया तो पूरा फाइनल आंसर जीरो हो गया तो एक्स की वैल्यू माइनस फोर डिसाइड करी देन माइनस सॉरी वाई की वैल्यू अगेन क्या आ गई जीरो आ गई तो अब हमने क्या कह रहा है क्या सोचा है पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने से यस एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे then, uh, क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस फोर और जीरो माइनस थ्री तो इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व तो हमने क्या किया यहाँ पे x की वैल्यू जीरो कंसीडर करी जिससे y की वैल्यू कितनी आ गई कि माइनस ट्वेल्व अब हमने क्या किया पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन सेकेंड तो अब हमने x की वैल्यू यदि माइनस वन रखी है तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या जाएगा देखते हैं इस बात को पहले तो y इज इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर इन अनदर ब्रैकेट माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू यहाँ से आ गया थ्री और यहाँ से माइनस फोर तो माइनस ट्वेल्व आ गई इसकी भी वैल्यू तो हमने यहाँ पर देखा अब यहाँ पर एक्चुअली लिख लिखना होगा हमें कि जब y की वैल्यू हमने क्या रखी सॉरी एक्स की वैल्यू हमने माइनस वन कंसीडर करी तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है माइनस ट्वेल्व आ चुकी है अगेन है ना क्योंकि जीरो जीरो पे भी कितनी आई थी माइनस ट्वेल्व आई थी अब हमने यदि एक्स की वैल्यू को डिसाइड किया क्या टू तो एक्स की वैल्यू यदि तो टू डिसाइड करते हैं तो अब देखते हैं एक्स की वैल्यू टू तो डिसाइड करने पर क्या आता है पुट एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन सेकेंड तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में दी हमने क्या रख दिया एक्स इज इक्वल टू टू तो वाई की वैल्यू देखें क्या आता है वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टू प्लस फोर और ब्रैकेट में टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स तो यहाँ पर हम देखें कि एक्स की वैल्यू तो टू रख दी वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस सिक्स आ चुकी है अब हमने क्या रखना है माइनस टू रखना है क्या रखना है माइनस टू देखते हैं वाई की वैल्यू कितनी आती है इस पर तो जैसे हमने x के प्लस पे माइनस टू रखा पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन सेकेंड तो y इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फोर और यहाँ क्या जाएगा माइनस टू माइनस थ्री तो देखिए ये प्लस टू हो जाएगा और ये माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टेन तो हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया अगेन जब हमने x की हाँ x की वैल्यू माइनस टू रखी तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस टेन आ चुकी है ना अब यदि हमने वन डिसाइड किया तो यहां पर यदि वन कंसीडर करते हैं तो अगेन जो वाई की वैल्यू है वो क्या आएगी माइनस टेन ही आएगी है ना तो इस बात को भी यहां पे नोट कर लेते हैं तो इस बात को लिखा हमने यहां पे पुट एक्सिकल टू टू सॉरी एक्सिकल टू टू तो हमने कैल्कुलेट कर लिया एक्स एजिकल टू वन इन इक्वेशन सेकेंड तो y इज इक्वल टू वन प्लस फोर और यहां कितना आ जाएगा वन माइनस थ्री तो देखिए यहां से माइनस टू और यहाँ से फाइव तो माइनस टेन ही आ गया है ना तो अब हमने क्या करना है इन जो हमने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट किया है इसे कार्टेशियन प्लेन पे हमें क्या करना होगा प्लॉट करना होगा और जो ग्राफ मिलेगा जो कर्व मिलेगा वो एक्सिस के जहां पर भी कट करेगा वो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उस ट्राइंगल का हमें क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है सो लेट्स ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन सो दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन इन विच एक्स एक्स डैश एक्सिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ ओरिजिन है ना तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट जीरो और वाई एक्सिस पे क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो यदि हमें जो भी पॉइंट्स हमने फाइंड किया था टेबल में उससे हमने यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए लिख लिया है सो दैट हम यहाँ पे इजिली इन पॉइंट्स को प्लॉट कर पाए तो थ्री जीरो तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट थे तो ये पॉइंट का लोकेशन यहाँ आ गया अब बात करें जीरो की तो ये पॉइंट का लोकेशन कहीं आ गया है ना एंड uh, की बात करें तो ये पॉइंट का लोकेशन कहीं आ गया है एंड माइनस वन माइनस ट्वेल्व की बात करें देखिये माइनस वन ये रहा और माइनस ट्वेल्व तो इस पॉइंट का जो लोकेशन है यहाँ पर होगा है ना यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या किया है कि जो वाइक्सिज है उस पर टू टू यूनिट का गैप दिखाया है वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू और एक्स एक्सिस पे क्या किया वन सेंटीमीटर टू वन यूनिट है ना। तो अभी क्या पॉइंट्स अपने पास में? माइनस टेन तो देखिए और तो माइनस टू पे माइनस टेन तो देखिए माइनस टेन तो इस पॉइंट का लोकेशन यहाँ कहीं मिलेगा ठीक है चलिए अगली बात करते हैं क्या टू uh, पे सिक्स है तो ये टू रहा और माइनस सिक्स आ एक्चुअली इस पे तो दिस इज दिस पॉइंट इज टू माइनस सिक्स चलिए तो अब जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो देखिए इस तरीके से एक आ, फ्री हैंड से हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक पैराबोला हमें नजर आ रहा है अच्छा एक मिनट सबसे पहले हम क्या करना है इसको ज्वाइन करने से पहले हमें इनके वर्टाइसिस को रिप्रेजेंट करना होगा तो एक्चुअली हम देखते हैं जबकि हमने वर्टाइसेज फाइंड कर रखा है तो वर्टाइसेज ऑफ पैराबोला कहाँ पर आ, लाई कर रहे हैं एक्चुअली देखिए माइनस वन बाई टू और क्या दे रखा है माइनस फोर्टी नाइन डिवाइड बाई फोर तो ये लगभग किसके इक्वल है ट्वेल्व से थोड़ा ज्यादा ही होगा है ना ट्वेल्व पॉइंट टू करीब करीब है ये चलिए तो इन पॉइंट्स को भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो यदि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस वन बाई टू कहाँ मिलेगा हमें वो देखना होगा सबसे पहले माइनस वन बाई टू ये यह यहाँ पे रहा और जो ट्वेल्व पॉइंट टू की बात है तो वो पॉइंट्स करीब यहाँ पर होगा है ना तो ये जो लोकेशन होगा ये वर्टाइस ऑफ पैराबोला होगा अब यदि हम इसको फ्री एंड से ज्वाइन करें तो देखिए इस तरीके से ये ग्राफ हमें मिल जाएगा ये पॉइंट्स होके जाएगा यू ऐसे यू ऐसे जाएगा और ये ऐसे थ्री को टच होकर के ऐसे निकल जाएगा सो दिस विल बी द पैराबोला है ना दिस इज द पैराबोला एक्चुअली अब एक्चुअली हम क्या करें देखिए ये है वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये आपको पॉइंट दिख रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस फोर जीरो एंड ये जो पॉइंट है इसके क्या है थ्री कॉमस जीरो चलिए तो अब हमने क्या करना है इन दो इन पॉइंट्स ये वाला पॉइंट्स भी दिख रहा है क्या जीरो माइनस ट्वेल्व तो यहाँ पे जो कर्व है ये पॉइंट ए पे कट कर रहा है ऐसा मान लिया पॉइंट बी पे कट कर रहा है ऐसा मान लिया और यहाँ पे पॉइंट सी पे कट कर रहा है ऐसा मान लिया तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे ए से बी को सॉरी ए से सी को और सी से बी को तो हमें एक ट्राइंगल फॉर्म होगा और उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हमने जब ज्वाइन कर दिया वर्टाइसिस को तो ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म हो गया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस बेस मीनस क्या हो जाएगा चलिए ए बी ले लिया और इसकी जो हाइट है इसे यदि हमने ओ कह दिया तो हाइट क्या हो जाएगी ओ सी है ना ओ सी विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल देखिए वन बाई टू इन टू ए बी यदि हम बात करें तो ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस होगा हो 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 वो कितना या लेंथ होगा कितना होगा देखिए यहाँ से ए से लेकर के ओ तक फोर यूनिट है और ओ से लेकर के बी तक थ्री यूनिट है तो टोटल कितना यूनिट है सेवन यूनिट हो गया तो सेवन और ओ सी ओ से लेकर के सी तक कितना है ट्वेल्व तो देखिए ये टू से कैंसिल हो गया कितने टाइम सिक्स टाइम तो इज इक्वल टू सेवन इंटू सिक्स विच इज फोर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी सेंटीमीटर तो यूज नहीं करेंगे हम एक्चुअली यहाँ पे बिकॉज हम के हमें कोई यूनिट दे नहीं रखी है तो इसे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट है ना सो so, हमने फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू फोर्टी टू स्क्वायर यूनिट सो लेट सी चेक विच ऑप्शन इज़ करेक्ट हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है इसे हम फाइनल आंसर में इजिली इंक्लूड कर सकते हैं यहां पर हमें लिखना होगा हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड बाय सॉल्यूशन थैंक यू